आपका स्वागत है सबसे पहले और आखिरी इंटरव्यू में। आओ मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सिग्मा टट्टे से। हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले अपने Xiaomi 14 CV का यहाँ पर भाई अपना BGMI टेस्ट। तो यहाँ पर आपने भाई इंट्रो तो देख लिया होगा भाई, इनबॉक्स में आपने भाई चेकआउट कर लिया कि भाई स्टार्टिंग में। सो गाइस, यहाँ पर आप भाई फ़ोन का लुक वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर फ़ोन का लुक भाई बिल्कुल भी अच्छा लगा भाई, फ्रंट की साइड से बिल्कुल भाई आईफोन की तरह बना दिया है, इसलिए यहाँ पर मुझे यहाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल इसका अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाई चलो भाई, इनबॉक्सिंग तो हमें करनी थी, तो यहाँ पर गेमिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। सो गाइस, अगर हम यहाँ पर उसके फीचर्स की बात करें, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एक 6.55 इंच की एक आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी फ़ोन के अंदर, जो गाइस यहाँ पर हमारी ठीक ठाक से होने वाली है। जिसकी यहाँ पर अगर हम बात करें 120 हर्ट्ज की आपकी रिफ्रेश रेट होने वाली है भाई डिस्प्ले के। उसके साथ ही आपको यहाँ पर 3000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस में देखने को मिल जाता है, तो भाई डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन भाई बस मुझे डिस्प्ले यहाँ पर भाई जो कैमरा है लगा दिया यहाँ पर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा भाई वो फ्रंट की साइड से। आपको भी कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी भाई आपको डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है भाई फ़ोन की प्राइस के हिसाब से। उसके साथ ही बात करें यहाँ पर भाई बैटरी वगैरह की, तो यहाँ पर आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है 4700 mAh की एक बैटरी, जो कि यहाँ पर आपकी भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे बेकार बात लगी। यहाँ पर आपको कम से कम 5000 mAh की बैटरी देनी चाहिए थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें भाई चार्जर की, तो यहाँ पर आपको 67 वाट का भाई चार्जर देखने को मिलता है, जो गाइस आपके फ़ोन को अराउंड 40 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज करके दे देगा। यानी कि भाई आपको यहाँ पर 40 मिनट से लगने वाला है चार्ज होने के लिए। सो देखो भाई, यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें और बैटरी की बात करें, तो यहाँ पर हमारा फ़ोन फिर भी ठीक ठाक चल जाता है। तो कैसे अगर हम बात करें अपने फ़ोन के चिपसेट की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 3, जो कैसे यहाँ पर हमारा 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर वर्क करने वाला है। तो कैसे चिपसेट की बात करें, तो यहाँ पर आप भाई 6 टैप पे स्किपिंग कर सकते हो। आपको मेरे ग्राफिक्स पर दिखाई देते भाई स्टार्टिंग में, यहाँ पर आप भाई स्मूथ पे एक्सट्रीम यानी कि भाई 6 टैप पे इस फोन में गेमिंग कर सकते हो। लेकिन भाई आप टेंशन मत लो, इन फ्यूचर आपको भाई इसमें फ़ोन में 9 टैप पे भी देखने को मिल सकते हैं, और भाई क्या पता 120 टैप पे भी देखने को मिल जाए, ऐसा भाई पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन भाई अभी तो यहाँ पर आप 6 टैप पे खेल सकते हो, और भाई 6 टैप पे में यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग वगैरह में खेलोगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। फिर तो मुझे इसका अच्छा लगा भाई फ़ोन के हिसाब से। बाकी भाई चिपसेट को यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक लगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे हीटिंग इशू देखने को मिलने हैं बीच बीच में, अगर आप यहाँ पर खेलोगे तो यहाँ पर आपको जरूर हीटिंग इशू फ़ोन में देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आप यहाँ पर आराम से खेल सकते हो, लैग वगैरह फ़ोन में भाई कमी होता है वैसे तो, यहाँ पर मुझे ठीक ठाक से देखने को मिला। और भाई हीट वगैरह फ़ोन में लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पर हीट थोड़ी ज़्यादा लगी इस फ़ोन के हिसाब से। बाकी भाई बात करें यहाँ पर भाई, आप गेमिंग वगैरह अच्छे तरीके से इस फ़ोन में कर सकते हो, तो आपको लैग देखने को नहीं मिलता। बाकी भाई फ़ोन में हमारा एंड्रॉइड 14 वर्क कर रहा है अपना Xiaomi का HyperOS। तो यहाँ पर हम फीचर्स की बात भाई हमने कर ली है, तो गाइस यहाँ पर आप गेमिंग टेस्ट देख सकते हो। मैंने TDM लगा दिया है, 6 टैप पे हमारा वर्क कर रहा है। FPS मीटर आप यहाँ पर फ्रंट में ऊपर की साइड देख सकते हो, आपको यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो रहा होगा अपनी भाई वीडियो की। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो गाइस अपने यहाँ पर एरंगल टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन भाई उसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देते हैं भाई चैनल को, और भाई काफ़ी बंदे भाई देखते हैं वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो भाई वीडियो को लाइक कर देगा सबसे पहले भाई चैनल को, भाई कैसे ऐसी और वीडियो लाता रहता हूँ। और भाई इसका यहाँ पर 120 FPS टेस्ट भी करेंगे, 90 FPS टेस्ट भी करेंगे, तो गाइस उसके लिए थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो। बाकी भाई चलो भाई, बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम एरंगल के मैच की तरफ चल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम खेल रहे हैं अपने एरंगल मैच को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, मैंने एंडिंग लगा रखा है, और भाई इसे लगाने का कारण यहाँ पर मेरा ये है, क्योंकि भाई एरंगल का मैच मेरा नहीं चल रहा था। यहाँ पर मेरे भाई सर्वर इशू आ रहे हैं, और भाई पिंग की वजह से यहाँ पर मतलब पिंग भी अच्छी खासी नहीं आ पा रही भाई रैंक मैच के अंदर। चाहे आप भाई मोड खेल लो या विदाउट मोड खेल लो, मेरे यहाँ पर भाई गेम प्ले अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर मैं एंडिंग खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई एंडिंग लगाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था, मैंने आपको भाई मेरे पर रैंक नहीं दिखाया था, क्योंकि भाई आपको पता है भाई BGMI के सर्वर आजकल भाई कैसे वर्क कर रहे हैं, भाई कभी कभी टाइम पर नहीं चलते, इस वजह से यहाँ पर मुझे मेरे पर एंडिंग लगाना पड़ रहा है। भाई लो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है, आप यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर हमारे भाई फ़ोन की कैसे चलने वाली है। वैसे कैसे यहाँ पर आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे भी देखने को मिल जाएंगे, जायस्कोप मैंने यहाँ पर भाई ऑन कर रखा है इस फोन का, तो यहाँ पर आप जायस्कोप वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो फोन में कैसा वर्क कर सकता है। बाकी भाई यहाँ पर आप गेम प्ले के मजे लो, हम यहाँ पर रिव्यू की बात करेंगे एंड में।
अरे यार तू किधर है? अरे तो यहाँ पर अगर हम फ़ोन की भाई डिवाइस की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमको यहाँ पर कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। स्क्रीन रीडिंग में यहाँ पर आप भाई आराम से फ़ोन में खेल सकते हो, यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। बट यहाँ पर भाई मेजर प्रॉब्लम इसकी हीटिंग है, आपको यहाँ पर हीटिंग इशूज़ वाले चिपसेट में देखने को मिल सकते हैं जो कि यहाँ पर हमारे माइनर हैं, आपको यहाँ पर हीटिंग इशूज़ फ़ोन में देखने को मिलेंगे। बाकी भाई देखो लैग वगैरह तो मेरा इतना नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर गेम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसमें आराम से खेल सकते हो। स्क्रीन रीडिंग के अंदर भी यहाँ पर बस मुझे थोड़ी बैटरी पर इस फ़ोन की कम लगी, यहाँ पर मेरी जल्दी बैटरी ड्रेन भी हो जाती है, यहाँ पर आपको बैटरी इसमें थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन भाई फिर भी यहाँ पर आप ठीक ठाक से गेमिंग कर सकते हो। बाकी भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था, बाकी भाई मिलते हैं न्यू टॉपिक के लिए, बाय बाय।